अक्सर हम लोग स्मार्टफोन खरीदने जब भी जाते हैं, दिल और दिमाग में एक ही ख्याल होता है कि कौन से सबसे बेहतर स्मार्टफोन कम प्राइस के साथ हम खरीद लें। ये सोचना गलत तो नहीं है, पर मार्केटिंग स्ट्रेटजी को देखते हुए आप लोगों के दिमाग को जो सेलर्स होते हैं अलग ही कर देते हैं। उन लोगों को जो बेचना रहता है वही स्मार्टफोन आपको बेच कर भगा देते हैं। काफी सालों से Xiaomi कंपनी एक ऐसा है जो कम प्राइस के साथ काफी सारे स्मार्टफोन लॉन्च करते ही आ रहे हैं। जैसे कि आप रिसेंटली देख पा रहे होंगे Redmi Note 12 सीरीज लॉन्च हुआ है। इतने सारे स्मार्टफोन ये लोग सेल कर चुके हैं कि करोड़ों रुपए ये लोग बैंक में कमा रहे हैं। उसी कैटेगरी की एक अपग्रेडेबल स्मार्टफोन Xiaomi Redmi Note 13 Pro Max जल्द ही भारत के अंदर लॉन्च हो सकता है। अगर सब कुछ ठीक ठाक चला तो इसी साल एंडिंग तक ये स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा। डिस्प्ले में हाई क्वालिटी वाले डिस्प्ले आपको इस बार इस फोन में देखने के लिए मिल जाएगा। अमोलेड डिस्प्ले तो होगा ही, और सबसे खास बात यह स्मार्टफोन के अंदर 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी जाने वाली है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर हम लोग चाहते हैं Redmi Note सीरीज के अंदर मिल जाए, पर इस बार इस फोन के अंदर जरूर मिल सकता है। सबसे की हाइलाइटेड फीचर इसकी कैमरा क्वालिटी कहा जा रहा है। 200 मेगापिक्सल की हाई प्राइमरी लेंस कैमरा सेंसर ये स्मार्टफोन में देखने के लिए मिल जाएगा, जो लगभग एक DSLR कैमरा जैसी क्वालिटी आपको शायद ये दे सकता है। यहाँ पर खास तौर पर AI मोड्स को इतना ज्यादा एनहांस करके दे दिया जाएगा कि आपको शायद ही वीडियो एडिटिंग का कोई जरूरत पड़ सकता होगा। और दो कैमरा सेंसर दी जाएगी जो 18+8 मेगापिक्सल की होगी। सबसे अच्छी बात बैक साइड में भी एक हमको डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा, जो कितना इंचेस का होगा आने वाले दिनों में हमको पता चल सकता है। फ्रंट साइड में 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले दी जाएगी। कहा जा रहा है 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ ये स्मार्टफोन आएगा। इस स्मार्टफोन में ओवरऑल सब कुछ ठीक ठाक है। इतने दिनों से कहा जा रहा था स्मार्टफोन के अंदर 5500 mAh की बैटरी परफॉर्मेंस हो सकती है, पर अब लीक्स और रूमर्स कुछ ऐसे निकल कर आ रहे हैं कि 4500 mAh बैटरी हो सकती है। ऑलमोस्ट ऑल अब जितने भी Xiaomi के स्मार्टफोन देख सकते हो कि 5500 mAh की बैटरी परफॉर्मेंस हमको देखने के लिए मिलता आ रहा है। पर इस बार डाउनग्रेड किस लिए किया जा रहा है ये तो पता नहीं, पर हाँ ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस काफी अपग्रेड होने वाले हैं। इस स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए 67 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट लोअर रेंज में दी जाएगी, तो हायर रेंज के अंदर 120 वोल्ट की अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दी जाएगी। ये स्मार्टफोन कलर्स में काफी सारे वेरिएंट्स निकलकर सामने आ जाएंगे, पर रैम वेरिएंट में मेनली दो वेरिएंट्स कह सकते हो। एक होगा 6GB रैम और एक होगा 8GB रैम। 6GB रैम के ऊपर 128GB इंटरनल स्टोरेज और एक 8GB रैम के ऊपर 256GB इंटरनल स्टोरेज। दोनों में एक्सपांड करने की सुविधा दी जा सकती है अप टू 256GB तक। सबसे अच्छी बात 3.5mm ऑडियो जैक तो ये स्मार्टफोन में होगा ही, और एयर ब्लास्टर भी जरूर होगा। डुअल स्टोरेज स्पीकर के साथ ये धासु वाला स्मार्टफोन कहा जा रहा है 25,000 to 28,000 के आसपास हो सकता है। इसके बारे में जैसे ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन निकलकर बाहर आएगा आपको मैं तुरंत इंटीमेट कर दूंगा। तो अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए। मिलता है और एक वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।